आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप राजस्थान में हैं, अगर आप राजस्थान में फंसे हुए हैं ये लॉकडाउन में, अगर आप घर आना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप राजस्थान से इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, जहाँ भी आपका घर हो, जिस भी स्टेट में आपका घर हो वहाँ भी आप, जैसे यूपी में, बिहार में, जहाँ भी आपका घर हो उस स्टेट में आप जा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करके। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह आप राजस्थान में अगर फंसे तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने घर जाने के लिए लॉकडाउन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके सरकार की सहायता से आप घर तक पहुंच सकते हैं। वो भी इस वीडियो के पूरा देखकर आप पूरी तरह समझ जाएंगे किस तरह यहाँ पे अप्लाई होगा और किस तरह यहाँ पे आवेदन होगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया, उस लिंक में क्लिक करके तो यहाँ पे आ जाएंगे rajasthan.gov.in की वेबसाइट पे, राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं rajasthan.gov.in वेबसाइट है। इस पे जाएंगे आप, कुछ इस तरह सेंटर पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मिग्रेट और चेक स्टेटस। ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन में जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर आप लिंक पे क्लिक करते ये ओपन नहीं होता है तो यहाँ आपका पॉपअप जो ब्लॉक होगा इसको आप अलाउ कर देंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, नहीं तो ऐसे भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो न्यू टैब कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको छोटा सा एक फॉर्म दिया जाता है, जहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी यहाँ पे चल रहा है। नोटिफिकेशन आपको मैं बता देता हूँ, ई मित्र पोर्टल पर आपके द्वारा किए गए रजिस्ट्रेशन को यात्रा करने की अनुमति न समझे, सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त होने के उत्तरार्थ ही यात्रा प्रारंभ करें। मतलब ये ऑनलाइन आवेदन इसलिए किया जाता है कि मतलब इसका डाटा ये आपके सर गवर्नमेंट को देगी, आपके जो स्टेट के जो मुख्यमंत्री होंगे उनको देगी कि इनको अपने स्टेट ले जाने की व्यवस्था करें, उनके बाद उसके बाद वो व्यवस्था करेंगे और आपको ले जाएंगे। तो ये प्रक्रिया होता है। तो यहाँ भी कह रहा है आप क्या राजस्थान आना चाहते या राजस्थान से जाना चाहते। ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक है, तो ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यह कह रहे आप राजस्थान में कहाँ रह रहे हैं अभी, रूरल में या अर्बन में, यानी कहाँ पे फंसे हुए वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यह कह रहे आप जो फंसे हुए वो किस डिवीजन में फंसे हुए, तो अजमेर में या कोटा में, जहाँ भी फंसे हुए वो सिलेक्ट करेंगे। डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद उस डिवीजन में कितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएंगे, वो सिलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तहसील जितने भी आते हैं वो सारे तहसील यहाँ पे आ जाएंगे। आपको तहसील सेलेक्ट करेंगे किस तहसील में आप फंसे हुए। उसके बाद यहाँ पे अगर रूरल में फंसे होंगे तो यहाँ पे आपको पंचायत भी देना होगा, पंचायत ब्लॉक जिसमें भी आप फंसे होंगे वो आपको यहाँ पे इस तरह दे देना होगा। उसके बाद उसका जो पूरा एड्रेस होगा जहाँ आप फंसे वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आप कहाँ जाना चाहते हैं, मतलब आपका घर कहाँ है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस स्टेट में जाना चाहते हैं, वो आपको पूरे स्टेट मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे बिहार सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बिहार का डिस्ट्रिक्ट जो भी वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस दे देंगे अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कौन जाना चाहता है, कौन राजस्थान से अपने घर जाना चाहता है, उसका नाम देंगे यहाँ पे, नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पे एज क्या है वो एज यहाँ पे दे देना होगा, ठीक है। अगर इसके साथ और कोई है फैमिली वगैरह तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उसको जितना भी चाहे आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे आपको। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे दूसरे को भी ऐड कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ कह रहा है ऑन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, यहाँ कह रहा है क्या आप अपनी खुद की गाड़ी से या जाना चाहते, यानी खुद की स्वयं की व्यवस्था आप किसी तरह गाड़ी की व्यवस्था की उससे जाना चाहते या गवर्नमेंट के द्वारा व्यवस्था किया गया गाड़ी से आप जाएंगे, ठीक है। किससे जाना चाहेंगे, खुद के द्वारा व्यवस्था किए गई गाड़ी से जाना चाहते या गवर्नमेंट के द्वारा जो गाड़ी प्रोवाइड किया जाएगा उससे आप जाना चाहते, वैन से, वो आप सेलेक्ट करेंगे यस या नो। अगर खुद से खुद का है स्वयं व्यवस्था तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। तो अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पे वैकेंसी टाइप, मतलब कौन सा गाड़ी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, उसका नंबर वगैरह देना होता है। अगर नो करेंगे तो कुछ नहीं मांगा। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे आपको टिक मार्क लगा देंगे। पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके जो मोबाइल पे एक ओटीपी भेज दिया गया, ओटीपी यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ ओटीपी देंगे, ओटीपी देने के बाद यहाँ पे ओके बटन पे प्रेस करेंगे। जैसे आप ओके बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए मिग्रेट डिटेल सक्सेसफुली सेव, यू कैन चेक द एप्लीकेशन स्टेटस ऑन ई मित्र रा पोर्टल बाय यूजिंग योर मोबाइल नंबर। ये मतलब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका, यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका। उसके बाद स्टेटस चेक करेंगे, फिर इसी वेबसाइट पर आएंगे, चेक स्टेटस फॉर मिग्रेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिए थे हमने वो मोबाइल नंबर देंगे।
मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम आ जाएगा, एज आएगा, पूरा मोबाइल नंबर आ जाएगा, गाड़ी नंबर देंगे वो आए, पूरा एड्रेस यहाँ पे स्टेटस में क्या है पेंडिंग वगैरह आपको दिखा रहा है स्टेटस, ठीक है। इसको आप चाहे तो यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसे सेव भी कर सकते हैं। पीडीएफ में सेव करने के लिए इस पर पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ में सेव हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ये देख सकते हैं पीडीएफ में ये डाउनलोड हो चुका है। तो ये तो अपने स्टेटस चेक किया और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन गाइडलाइन भी जारी किया गया। जब आप इस लिंक पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं माइग्रेट रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन डाउनलोड, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह यहाँ पे गाइडलाइन भी डाउनलोड हो गई है। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की जानकारी दी गई जो कि हिंदी में दी गई, पूरी तरह यहाँ पे आपको बताया भी गया है किस तरह रजिस्ट्रेशन करना, क्या क्या करना, वो भी आपको बताया गया है। और स्टेटस को चेक करने के लिए यहाँ पे लिंक भी दिया गया है, स्टेटस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक दिया गया है, यहाँ पे देखिए इस सेवा का शुल्क विभाग द्वारा प्रति रजिस्ट्रेशन 6 रुपये कमीशन दिया जाएगा और आमजन से इसे कोई शुल्क नहीं लेना है, अतः अधिक से अधिक सही रजिस्ट्रेशन करेगा, मतलब जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसको 6 रुपये दिया जाएगा और आमजन से 1 भी रुपये शुल्क नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 रुपये कमीशन भी मिलने वाला, अगर साइबर कैप वगैरह वाला करेंगे तो उनको यहाँ पे 6 रुपये कमीशन भी मिलने वाला है और आमजन से इस सेवा का कोई शुल्क नहीं लेना है, ये इनके गाइडलाइन में दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन तो कर दिए, अब कैसे आ पाएंगे, ठीक है। तो इनकी जो अधिकारी हैं वो आपको कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद आपको बताएंगे कब कहाँ आना है, वहाँ पे आपको जाना होगा, वहाँ से वो आपको ड्राइव कर लेंगे और आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट जाना है वहाँ तक आपको ये पहुँचा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।